हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं KL जहांगीर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की इन परिस्थितियों में स्कूल और कॉलेज सभी बंद हैं, तो जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि छात्रों का जो पढ़ाई का कार्य है वो सुचारू रूप से जारी रहे, और उस कड़ी में आज से एक ऑनलाइन वीडियोज़ की सीरीज शुरू की जा रही है। पीछे भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए थे और आप लोगों ने देखे होंगे। उसी कड़ी को जारी रखते हुए और रोज़ाना आपके लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन कंटेंट ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की वीडियो की। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये जो आज 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय और संतुलन जो एक चैप्टर आप 12th में पढ़ के आए हैं, अभी भी 11th 12th में चलता है, वही टॉपिक आपके BSc 3rd ईयर में हैं। और पेपर फर्स्ट का जो 4th यूनिट है उसमें ये टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, लेट्स सी, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में हम क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं अंतःश्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं भाई? अंतःश्रावी ग्रंथियां। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समन्वय और संतुलन, और उसमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको अलग अलग शब्द नज़र आ रहे हैं। देखिए, एंडो पहला टर्म आया है यहाँ पर, एंडो, और दूसरा टर्म आया है क्राइन, और तीसरा टर्म आया है ग्लैंड। तो एंडो का मतलब क्या होता है वह देखेंगे हम, क्राइन का मतलब क्या होता है उसे ढूंढेंगे हम, और जो ग्लैंड है इसका मतलब जानेंगे कि ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एंडो का मतलब होता है विद इन। एंडो का मतलब क्या होता है भाई? विद इन। और क्राइन जो है इसका मतलब होता है टू सिक्रीट। क्या होता है? सिक्रीट। और जो ग्लैंड है इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं अभी। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है बॉडी के अंदर, स्रावित करती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रंथि किसे कहते हैं। तो आप समझेंगे कि ग्रंथि किसे कहेंगे, जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है कोई भी सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन जो कोई ना कोई केमिकल जो इनका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट सिक्रीट किया जाता है, वो प्रोडक्ट सिक्रीट किया जाता है। और वो प्रोडक्ट हो सकता है कोई केमिकल, हो सकता है कोई एंजाइम, हो सकता है एंजाइम, हो सकता है कोई जूस, हो सकता है या फिर कोई हॉर्मोन्स हो सकता है। तो हमने देखा कि जो ग्रंथियां होती है उसको हम किस तरह से समझें। ग्रंथि का मतलब होता है शरीर की ऐसी कोई कोशिका या कोई ऐसा ऊतक या फिर ऐसा कोई अंग जो कोई रासायनिक पदार्थ या कोई रस या कोई एंजाइम या कोई हार्मोन स्रावित करता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड की श्रेणी में रखते हैं, ग्रंथि की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लैंड टर्म है ये सिक्रीट करती है, इसको समझने के लिए आप जैसे बाजार से गुजर रहे हैं
और हलवाई की दुकान पास में है, आपके मुंह में अचानक पानी आ गया साहब। ये जो पानी आया ये सिक्रीशन हुआ किसके द्वारा? एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो क्या होगी, ग्लैंड होगी। या फिर आप कहीं घूमने निकले, अकेले थे, कुत्ते कुत्तों का एक झुंड आपके पीछे लग गया, और ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, क्या सूझबूझ है, आपको दौड़ना है, लड़ना है, भागना है, या बैठ के वहाँ पर किसी को हेल्प के लिए पुकारना है, ये सारे जो भाव उत्पन्न होंगे उस समय, तो उसके लिए भी आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी टिश्यू या ऐसा ऑर्गन या कोई सेल स्पेशल प्रोडक्ट सिक्रीट करेगी, तो हम उस कैटेगरी में भी कहेंगे कि भाई वहाँ ग्लैंड काम कर रही है। तो यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हमने देखा कि विदेन टू सिक्रीट ए जूस, ए केमिकल, ए सबस्टेंसेज, ए प्रोडक्ट इन साइड द बॉडी विच फंक्शन आउटसाइड द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। तो देखिए, हमने ग्रंथियां पढ़ ली, ग्रंथि के बाद में आपने एंडो लिखा है। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ सिक्रीट करने वाली, अंतःस्रावण करने वाली। लेकिन यहां पर आपको देखना पड़ेगा क्या, पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्लैंड हैं, ये ग्लैंड को समझना पड़ेगा। ग्लैंड आपने समझ ली है, अब ग्लैंड को हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है, उसके आधार पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ग्लैंड्स लिखता हूँ। ग्लैंड्स, इसको हिंदी में आप कहते हैं ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं भाई? ग्रंथियाँ। और ये जो ग्रंथियाँ हैं ये कितने प्रकार की होती है, तो इसको समझने के लिए आप देखिए, ये तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट वाली है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरे वाली है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो थर्ड वाली है वो आपकी है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरह से हमने देखा कि तीन प्रकार की ग्लैंड हो गई। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बाह्य स्रावी। क्या होता है भाई? बाह्य स्रावी। और ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। और एंडो का मतलब आपने ऊपर देख लिया है अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो हेटेरो है इसको बोलते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं भाई? मिश्रित ग्रंथि। तीन प्रकार की ग्रंथि हो गई बॉडी में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब आपको बता दिया, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, सिक्रीट करेगा, तो इनका जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? श्रावण। श्रावण, जो भी पदार्थ ये स्रावित करेगी उसको कहाँ डालेगी? उसको डालेगी किसी डक्ट में। डक्ट का मतलब हो गया नलिका। क्या हो गया? नलिका। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो अपने श्रावण को किसी डक्ट में डालती है, और डक्ट में डालने के पश्चात वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, लक्ष्य। जहां उसका लक्ष्य है वहां पर वो पहुंच जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ ऐसी ग्रंथियां जिनसे स्रावित होने वाले उत्पाद पदार्थ जो भी हैं वो नलिकाओं के द्वारा लिए जाते हैं, उसके द्वारा ढोए जाते हैं, उसके थ्रू पहुंचाए जाते हैं लक्ष्य अंग तक। अब ये नलिकाओं में डालती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं डक्टस ग्लैंड। डक्टस ग्लैंड यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि ये अपने श्रावण को नलिकाओं में डालती है। इधर देखें हम एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सिक्रीशन होगा, इनका जो सिक्रीशन होगा यानी श्रावण होगा, वो डायरेक्टली किसमें डाला जाएगा? पोर किया जाएगा ब्लड में, यानी रक्त में डाला जाएगा बिना किसी नलिका की सहायता के, और ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाएगा उस टारगेट ऑर्गन तक। तो
अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने श्रावण को सीधे ही रक्त में डाल देती है, तो इसे हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। चूंकि यहां पर डक्ट नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डक्टलेश, डक्टलेश ग्लैंड। इसका मतलब आप समझ गए, नलिकाहीन, नलिकाहीन ग्रंथि, ग्रंथियां, नलिकाहीन ग्रंथियां। और ये कौन सी है, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, युक्त ग्रंथियां हैं। तो हमने जान लिया है इंट्रोडक्शन में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने श्राव को नलिका के द्वारा पहुंचाती है, और जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो प्रोडक्ट सिक्रीट करेगी वो सीधे ब्लड के अंदर डाला जाएगा, जो उसके सराउंडिंग में ब्लड होगा, और उसके द्वारा टारगेट ऑर्गन तक, सेल तक, टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं लेके जाती इसके प्रोडक्ट को, इसके नलिकाहीन ग्रंथियाँ हो गई, और इसको ले जाने के नलिकाएँ होती है, इसलिए वो क्या हो गई, नलिकायुक्त। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड को हमने कहा है मिश्रित ग्रंथियां, और मिश्रित ग्रंथियों की अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों प्रकार के रूप में काम करती है, यानी कि ये एक्सो भी है, एक्सो प्लस एंडो, दोनों प्रकार का फंक्शन करती है। अर्थात ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जिनके कुछ पार्ट तो क्या काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं, और उसका कुछ पार्ट क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। अब इनके एग्जांपल आप देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्सो और एंडो के रूप में कौन सी है, क्या है। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे लीवर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके अलावा पाचक ग्रंथियां हो गई। अब हम देखते हैं स्वीट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब हो गया पसीने वाली ग्रंथियां, सेबेसियस, तेल ग्रंथि जो स्किन पे, स्वीट ग्लैंड अर्थात पसीने वाली ग्रंथियां, ये सारी की सारी कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अरे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मिठाई को देखते ही मुंह में पानी आता है, क्यों, क्योंकि आपकी यहां पर जो लार ग्रंथियां हैं उनसे सिक्रीशन बनता है, वो लार बनती है, और लार को लाने के लिए यहाँ पर ट्यूब होती है, तो वो ला करके आपके मुंह में डाल देती है, तो मुंह में पानी पानी आ जाता है। तो ये तो हुई एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो लार ग्रंथियाँ भी हो गई, आप सिलेवरी ग्लैंड भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, बहुत सारे हैं, पैंक्रियाज। मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक संकट आ गया, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिल गए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपकी ग्लैंड्स जो है वो स्पेशल सिक्रीशन करेगी, और वो सिक्रीशन सीधा आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या है। तो मुंह में पानी आना एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से हो रहा है, और संकट में आप पड़ गए हो, उससे कैसे बच के निकलना है, ये कौन करवा रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें कि एड्रिनल ग्लैंड का मैंने एग्जांपल लिया है। और मिश्रित ग्लैंड का एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, और पेंक्रियाज को आप कहते हो क्या, अग्नाशय, क्या कहते हैं भाई, अग्नाशय ग्रंथि। तो आपने ये देखा कि एट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों के रूप में फंक्शन करती है, और दोनों के रूप में फंक्शन करती है
इस ऐसा हमारी बॉडी में एकमात्र ग्लैंड मिलती है और उसका नाम क्या है, पेंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है। आप जानते हो अग्नाशयी रस जो निकालती है उससे भोजन का पाचन होता है, तो वो उसके जिस पार्ट से होता है वो बाह्य स्रावी के रूप में फंक्शन कर रहा है, और जो अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकागोन बन रहा है, जो आपको डायबिटीज़ से बचा रहा है, वो उसमें स्पेशल जो सेल्स हैं लैंगरहैंस आइसलैंड उनके थ्रू हो रहा है, तो वो एंडो के रूप में काम कर रही है, तो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में फंक्शन कर रही है, इसलिए उसको हम कहेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां, या फिर इसको एक और नाम दे देते हैं हम और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम दे देते हैं भाई, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, और ये समझना अति आवश्यक था आपके लिए कि भाई एंडोक्राइन हम पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में ग्लैंड लिखा हुआ है, तो जब तक हम ग्लैंड का पता नहीं करेंगे कि ग्लैंड क्या है और ग्लैंड कितने प्रकार की है, तब तक आप एंडोक्राइन को नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमने क्या किया है, पहले ग्लैंड की डेफिनेशन देखी है और उसके बाद में ग्लैंड्स के टाइप देखे हैं। अब मैं देखिए इसको आपके सामने टिक मार्क करता हूँ, ये हमारे लेशन का टॉपिक है जो कि क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जो अपना सिलेबस है उसमें भी पेपर फर्स्ट की 4 तो जो यूनिट है उसमें भी है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और किस तरह से इनको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, आइए।